थोड़ा सा धोखा हो चुका है, अगली फ्लाइट आधे घंटे में निकलती है, ये वाली फ्लाइट लेट हो गई। सो गाइस धोखा हो गया, हमारे बैग हेलसिंकी में रह गए भाई। क्या हाँ, इनको बोल खुद पहुँचाए भाई जहाँ पे हम रुके हैं। Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. आज की शुरुआत हो गई है जाने के लिए। हम जहाँ जा रहे हैं तो मैं बता दूँ बढ़िया जगह है, हम जा रहे हैं दोमदा रोम। इनको पता नहीं था मैंने बुक कर दिया, चल ई ट्रिप चल रही है, फालतू में रोई जा रही है। एनीवेज ये ब्यूटीफुल जगह, गुड बाय कर दो, गुड बाय। वो दीदी वहाँ से देख रही है, एक बार देख लो, नाइस बेडरूम्स, नाइस व्यूज। अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ पे यार, पर अगर यहाँ पे कोई भी आए तो देखना कि अगर फेब या जैन में आओगे ना तो पूरे पेड़ों पे बर्फ होगी, तो पागल हो जाओगे। वो इन्होंने कुछ कूपन दिया था, अब क्या यूज करेगा, चल। अरे मैं नहीं भाई, कोई आएगा तो ये वाला कोड देख लो, प्रो आर्कटिक हैप्पीनेस। गुड बाय, गुड बाय हाउस, गुड बाय ब्यूटीफुल हाउस। गुड बाय, सब जाते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। मम्मी का फोन आ रहा है, कल मम्मी पापा गए नॉर्दर्न लाइट्स देखने, क्या हुआ, पोपट हो गया, पोपट हो गया। हम आपके चक्कर में वेट कर रहे थे, फिर हमें नींद आ गई, हमें कितना बजे निकले, एक जगह बैठा के रखा हुआ नहीं, वो तो वो द प्लेस वेयर वी पुट अस, वो बता रहा था कि ये प्राइवेट है एंड उसमें उन्होंने टेंट लगा रखा था अंदर, उन्होंने आग वाग लगा के लकड़ी लेके गया था, वो खूब सारी कुछ पहले से भी पड़ी थी, उसको बताना चाहिए ना, पक्का नहीं है, देखेंगे फिर ये होता है कि ठीक है जाएं। नहीं नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि नॉर्दर्न लाइट्स आपका इंतजार कर रही है, अभी इनको नहीं दिखे, मुझे लग रहा है हम कितने लकी हैं, हम तो लकी है ही, तो लकी है। नहीं, he was looking at some you know app में उनको डाटा आता है, वो हम भी देखते थे उसमें। क्या गाइस, बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट आ चुका है, सम बेक्ड बीन्स, सम फ्रूट्स, सम सैड ब्रेड्स, सम एग्स, सम वेजिटेबल्स, सम कॉफी। ये पेंटिंग खरीदनी है, नहीं इनका पता है क्या रूल है, अगर यहाँ से कोई पेंटिंग ले लेगा, सारे मेन्यू की डिशेज हैं तो वो उस मेन्यू से हटा देंगे, वो 3500 यूरोस की एक पेंटिंग है, ले ले फेंक के मार, अरे फेंक के मार। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हस्की पार्क, सैना क्लॉज विलेज के अंदर हस्की पार्क था, यहाँ पे भी हम आए थे, मस्त वीडियो थी हमारी उस टाइम, इन दोनों को हस्की से मिलना था, हस्की पार्क इज हियर। कितना 2 किलोमीटर राइड करें या 5 किलोमीटर राइड, टाइम पूछ ले, 10 मिनट्स एंड 5 किलोमीटर राइड, ओके देन कौन सा करना है बताओ, ठीक है, ओके वील डू द 2 किलोमीटर राइड फॉर 4। हूज योर फेवरेट मूव? भाई मस्त है मोटू सा, Batman. Hello. वो भाव नहीं दे देगा। <Hello. laughs> इतने सारे डॉगी का, जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पे, इतनी भीड़ थी गाइस, बंदा बंदे के ऊपर था, अब तो खाली एकदम, यहाँ दिसंबर जनवरी में आ जाओ, जगह नहीं होती भाई देखने की। अब इनकी लड़ाई हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, चले आ जाओ आप दोनों उधर चले जाओ। मस्त है ये तो, वाह दो माता हो गया तो, तो मजा, वही मम्मी आ रहे पीछे, हाँ आई थिंक आवाज तक, हाँ ज्यादा क्यूट है। तो मजा, वही भाग के ज्यादा मजा आ रहा है, हाँ। एक्साइटेड था, लेट टाइम है।
प्ले टाइम। सो गाइस हस्की राइड करके मजा आ गया। आई थिंक ये भी एक्साइटेड थे घूम के। मजा आया। कई जगह ऐसे ऐसे हो रहा था लग रहा मजा कि अब मजा। मॉर्निंग थी ना जहां वहां ठा ठा हो रही थी। मजा आ रहा था ना भगा रहे थे मस्त। मैं खेल रही हूं बैटमैन। मैं खेल रही हूं उसके साथ। है ना बड़ा गुटलू बुटलू। है ना बड़ा गुटलू बुटलू। और देखो भाव भी नहीं दे रहा। कह रहा हट जाए ऐसे दफा। जरूरत नहीं है ऐसे। आ जाओ आंटी पास। किड्स आ जाओ आंटी पास। चल तो गाइस हम दो चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट और ये बहुत पास पास है जहाँ हम रह रहे हैं। 3 मिनट था तो मैं फालतू में इसमें ना सामान नहीं आता तो पहले हम सामान निकाल देंगे मम्मी पापा को छोड़ देंगे फिर आ जाएंगे हम। इतनी यादें हैं ना यादें ही नहीं कम कम होती। यहाँ मेरी और बिंदा की ऐसे वाली फोटो है बहुत अच्छी। तो गाइस हम हैं बढ़िया फिनलैंड में। अब स्लाइड तो नहीं होगी बहुत टाइम है। चलो गाइस इसको एक तो इसको फोटो शूट इतना अच्छी होता है ना यहाँ फोटो वहाँ फोटो 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 अच्छी फोटो तो नहीं आ रही है। फोटो 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 मचा रखी होती है इसने। बर्फ में पैर गीले करा दिए वापस। देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे क्या क्वालिटी का फोटो है इसकी। अपनी क्वालिटी ऑफ वीडियो देख दिखा दियो। नहीं यहाँ पे स्टेबल ग्राउंड नहीं है। मैं कैसे स्टेबल लेता हूँ। सो गाइस आखिरी बार ले रहे हैं ठंडी हवा के मजे। कर ले भाई नीचे विंडोज बढ़िया एकदम यूरो कार की पार्क में यूरो कार यहाँ पड़ी होती है जैसे एवीएस की वहाँ है बजट वहाँ है यूरो कार यहाँ पे बस यहाँ गाड़ी लगाई और एक की बात कर देंगे तो मत है। और हमेशा फुल इंश्योरेंस लेना। और अब मैंने एक और चीज़ नोटिस की है इतना वो होके कि अगर हम सस्ते के चक्कर में एग्रीगेटर से मैं बुक करता हूँ तो उन वो मैं उनसे इंश्योरेंस ले रहा हूँ फिर वो आगे से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अगर कुछ होता है ना तो वो बैक एंड फोर्थ का बहुत सीन पड़ जाता है। तो बेस्ट है कि सीधे ही इन कंपनी से डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाके करो और इन्हीं से इंश्योरेंस लो तो फिर कुछ लेना देना नहीं होता सेफ रहते हो। जैसे इन 2000 हमारा जब हम नॉर्वे गए थे बहुत कटा था मतलब 50,000 या 1,00,000 का तो ऐसे चूना लगा था गाड़ियों के चक्कर में। और हमेशा अनलिमिटेड माइलेज लेना कभी भी ऐसे किलोमीटर यहाँ से चेक करना अनलिमिटेड माइलेज लिखवाना चाहिए क्योंकि एक बार सस्ते के चक्कर में ले ली थी जितने का गाड़ी नहीं थी उससे डबल प्राइस उसने किलोमीटर के लगा दिए थे 1400 किलोमीटर के अलग से। बॉक्स बना हुआ इसमें बस गाड़ी चल जाती है बेटा। मैं कह रहा हूँ 18 पे शादी कर लेते मुझे मिल जाता। अब तो बहुत लंबा प्रोसेस है 3 साल कौन रहेगा। अब प्रोसेस ये होगा 3 साल साथ में रहना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम हस्बैंड वाइफ हो फिर जाके। पहले क्या था 1 साल पहले कुछ नहीं था ऐसे जब हम छोटे थे। छः महीने में छोड़ दो अरे मैं ये यूएस भी जा सकती है ऐसे ये तो कुछ नहीं है मेरे बैग में 40 किलो आता है अभी सिर्फ 25 था। इसको तो ये हाथी बोलता है ना हाथी इसमें कुछ है करते नहीं करते फोन भाई ये तो सही था सिक्योरिटी की और आ गया गोवा एयरपोर्ट की तरह ले एयरपोर्ट की तरह छोटा सा दो मदा रेडी 1 2 3 एक सिप तो लेना चाहिए एक सिप नहीं हम घूट ही ले लेते हो खाली मिली और अगर कोई बैठा होता तो फिर निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था मैं सो रहा हूँ वहाँ पे मतलब जो पहले बार में एक्सपीरियंस किया था वो नेक्स्ट लेवल था तो मेरे दिमाग में वो था मेरे दिमाग में कचरा एक्सपीरियंस था ही नहीं। बाथरूम इतना गंदा एक बाथरूम तो पर किसने उसमें टिश्यू डाल दिया वो ओवरफ्लड हो गया था दूसरे वाला बंद हो गया दूसरे वाला भी खराब हो गया था दूसरा वाला भी खराब हो गया था उसमें भी उसके मैं हैरान हूँ एक बंदा मैं जैसे साला प्लग ही नहीं छोड़ के गया फिर मैंने प्लग छोड़ा फिर आपने धुनाई नहीं की उसकी अच्छा वही होता तो धुनाई कर देते जैसी ट्रेन रुकती थी तो मैं मेरी नींद खुलती थी कि भाई कोई सीट मांगने में आ जाए बीच में देखा था मैं ऐसे उठ रहा एक बंदी आई फिर वो मेरे सामने लेट गई पहले मैं 2-3 बार उसकी शक्ल देखी फिर मैं कहा सो रहा हूँ खाली थी पूरी ट्रेन खरीद हाँ भाई अपनी देसी राजधानी अच्छी है ज्यादा एटलीस्ट उसमें सोने को तो मिलता है। वंदे भारत की कौन सी वंदे भारत नई ट्रेन व्हाइट कलर की जो चालू होगी ना कहाँ से सब जगह से चालू होगी है
दिल्ली से अम्ब एक जगह है हिमाचल में, वहाँ से चला दिए 5 घंटे। वाह, मतलब सब जगह के लिए काफी जगह तो जाना पड़ेगा इसमें। अभी भी भीड़ लगी हुई है सारे, आराम से यहीं बैठे रहोगे। पिजन गाइस, इंद्रोजा का नाम आज से पिजन पिटेगी। ठीक है, तू मेंढक, तू है मेंढक, जा नहीं रहे। मेरे फादर एक बड़ा पुराना वहाँ किस्सा सुनाते थे कि भाई इंग्लिश लाले लोग, उनको तो आती इंग्लिश नहीं थी, थोड़ी बहुत सीखते थे ऐसे पिजन, तो कहते किसी ने थोड़ी बहुत सीख ली और उसने एक बना दिया इनका, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, लुक देखो आसमान से। क्या बोलते हैं लुक पिजन पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान से भाई। हर जगह तो घूमी हुई है, अब बताए बचा क्या है। एस्टोनिया, उस्तूनिया, बुदापेस्ट, ये सब बचा है बस। किसका? मेरा, किसका भी, जो कि मेरा तो हो गया। एस्टोनिया, लातविया, बुदापेस्ट का निकल, चलो कंट्रीज है ना, टाइम नहीं है ना, चलो 2 दिन कर लेंगे चलते, फिर आप जर्मनी चले जाना। जर्मनी में भी इतने छोटे वाले में गए थे, छोटा सा है तो बंदा बंदे के ऊपर है। 5 है हमारा, एक लाइन में है। हाँ मेरी विंडो है साइड में और मम्मी की विंडो है। पेटेगी साली लग रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है। जेब नहीं है इन तो कपड़े में, क्या एक लाख के चश्मे है वो, उसको पहले कपड़े में मिला के 3 बार उसको इसलिए उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है। थोड़ा सा धोखा हो चुका है, अगली फ्लाइट आधे घंटे में निकलती है, ये वाली फ्लाइट लेट हो गई। मेरे साथ हुआ था। कब? फिर मिस हो जाती है ऑब्वियसली, तो बैग कहाँ जाएंगे? बैग पहुँच जाएंगे तो दूसरा फ्लाइट लेगा। ये क्या बात हुई ऑब्वियसली, और कैसे फ्लाइट कौन देगा? हमारी थोड़ी गलती है, तुम्हारी गलती है नहीं। वो आप बोल सकते हैं हम उनको, कभी कभी वो लोग बोल देते कि दिस फ्लाइट इज डिलेड बट द पैसेंजर्स हैव जस्ट लेफ्ट, बट आई डोंट थिंक ये लोग बना करेंगे हमारे लिए कुछ भी। चल बात करते हैं, फिर नहीं आ रहा पक्का, ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे। अभी 25 मिनट बचे हैं, अभी हम बाहर निकले हैं, अब ट्रांसफर्स पे जाके 2 माता करना पड़ेगा। भागो भागो भागो, भाग मिल्खा भाग। हाँ भाग कर, है पता नहीं भाई कौन से खड्ड में है। 1 किलोमीटर तो हमने चल लिया, हमें रोजा भाग के चली गई थी कि बताने की भैया हम भी आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं रोम में, बहुत गर्मी है, बस जैकेट उतर गया, हाफ पीस पहननी पड़ेगी यहाँ पे, थैंक गॉड में इतने सारे हाफ पीस ले गया। तो रुको जरा, सबर करो, सारे कपड़े कोल्ड कपड़े और सिर्फ ये बूट्स। गुड डे टू यू, तुम जोकर बन के घूम रहा, कहाँ गए पापा पे चले गए क्या? अरे एफ1 याद आ गई, मैं ड्यूटी फ्री से ना दारू लेती हूँ, छोड़ के फिर हम वापस आए, अभी इसने टैलेंट में बोला है। वहाँ पे देखो एक कोई आइसक्रीम मिल रही है विंची के बाहर, जो लाइन लगी है ना विंची का, विंचा निकाला हुआ है अभी, वहाँ तक लाइन है। मुझे भी चाहिए अभी, बाहर जाके खा लियो ना, तू थोड़ी जा रही है अभी इटली से, इटालियानो मम्मा मिया। तो गए, धोखा हो गया, हमारे बैग हेलसिंकी में रह गए भाई, तो लग गए। थैंक गॉड में इतने सारे हाफ पीस ले गया। बता रहा ना शनि बढ़िया वाला भारी है, हेलसिंकी में बैग है, हम यहाँ पे आ गए, वो कह रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट पे भेजेंगे। अभी 2 दिन को बोल, हमें बढ़िया सा स्टेज चाहिए एंड सम नाइस लेमन टार्ट्स विद सम हनी चिली।
अब कुछ नहीं, इस कपड़े में घूम। और ये जैकेट भी नहीं काम आएगी मेरी भारी वाली। 10 बजे आएंगे कल सुबह। कल सुबह आएंगे? हाँ। प्रफुल हाँ, इनको बोल खुद पहुँचाए भाई जहाँ पे हम रुके हैं। तो वैसे नहीं जाना था 10 बजे से पहले तो, और यही है बस, यही कपड़े हैं बस। धोखे पे धोखा, बैग छूट गए हेलसिंकी में। ऐसा बस एक बार पहले हुआ मेरे साथ, जब मैं कश्मीर जा रहा था, दिल्ली में बैग रह गया, मैं कश्मीर पहुँच गया। आज बाहर भी हो गए सब। और जैसा पहली बार पहले हुआ ये सब, देखा मेरे साथ होता है। और फॉर्म में लिखना है कि भाई बैग कौन से खोए हैं। चौंस ले लो, ये कौन है कुटेगा? मैं बार बार आना पड़ेगा इनके चक्कर में। गाइस अभी तक वो जो लॉस्ट बैग था वो नहीं आया। हम इधर से उधर कार रेंटल के लिए घूम रहे हैं। एक गाड़ी इशू ने बुक कराई थी, पर जब मैंने उसको डाला अभी गूगल मैप्स, वो जगह ही नहीं आ रही है। मेरे को फ्रॉडिया लग रहा है। उस नाम से सब पे 1 रिव्यूज़ हैं, और वो भी टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो रही है। रेंज रोवर मिल रही थी 400 रुपये में, मैं कहा ये कैसे हो गया? झूठ बोल रहे हैं, इट्स अ स्कैम। स्कैम स्कैम। अब फ़ोन नहीं उठा रहे हम। उधर है यार वो, देख सीधा जाना है। हाँ सो गाइस, दो तरह की ट्रेन चलती है एयरपोर्ट से। एक चलती है फास्ट वाली ट्रेन, ये वाली जो आधे घंटे में सिटी सेंटर पर जाती है, और दूसरी जो होती है नॉर्मल ट्रेन, वो उसको चेंज करना पड़ता है धीरे धीरे आती है, वो एक घंटा लगाती है। हमने ये ले लिया, जो गाड़ी पहले बुक करी हुई थी वो पता ही नहीं मिला उसका, कल जाकर ढूंढेंगे उसको। यहीं पर हमने सिटी सेंटर में बीच में एकदम ले लिया है होटल रात के लिए, क्योंकि अब रात का ये टाइम से सोना है। सुबह उठ के वापस हमें एयरपोर्ट जाके कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ हमेशा पजामे में घूमना चाहिए, तब कहाँ सोना पड़ जाएगा। बहुत गर्मी लग रही है। हम पहुँच चुके हैं रोम फाइनली। हम ऐसे लग रहे हैं जैसे सीपी में आ गए। सेम ही बिल्डिंग है, चलो मुँह मीठा करना है तो ले लो यहाँ पे। देखो क्या बढ़िया वाइन शॉप है, अंदर देसी है। ये भी कुछ होगा म्यूजियम टाइप लग रहा है। हाँ मस्त है। पापा बोलना फिर से बंगाली बोलना। हम ही भारत बंगला जानी ना। ज्यादा अच्छी नहीं आती भाई, मैं यही बोल रहा। होटल मिल चुका है, पुरानी सी बिल्डिंग है, होटल का नाम कहीं नहीं लिख पा। मैप यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो मेरे को लगा भाई कहाँ जा रहा है, बढ़िया स्ट्रीट लग रही है। जैसे मैं घुसा मैंने देखा भाई होटल है कि नहीं है, फिर मैंने देखा यहाँ लिखा है कासा सांता सोफिया सांता पोको। तो गाइस इन्होंने हर रूम में एक फ़ोन रखा हुआ है, उसमें फ्री अनलिमिटेड लोकल एंड इंटरनेशनल कॉल्स है, और इंटरनेट भी फ्री है। तो वो यहाँ पे रह रहा है, उसके पास सिम ही नहीं है अपना, आराम से लिया फ़ोन मिलाने कुछ देखना हो देख सकते हो। अच्छा आइडिया है, गुड गुड डीड वॉस। मतलब आई थिंक इंटरनेशनल जगह के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई लोकल आएगा तो फ़ोन तो सबके पास ही होगा। अब इधर आया तो सिर्फ मेरा इंटरनेट चल रहा है, मम्मी पापा का इंटरनेट नहीं चल रहा बाहर। तो फ़ोन ले गए अपना एक एक रूम से, दो मत बात कर लिया। देखा मैंने, हम चढ़े वहाँ से थे खुली वहाँ से, एक्सक्यूज मी। चलो 7 और 14, ये तो दुबई के फ्लैट्स लग रहे हैं। अभी कोई पुरानी सी बिल्डिंग थी, ये नई बनाई हुई है। एनीवेज तो मैं वो बताता हूँ क्या सीन है। ये आपको पहले वाला चाहिए तो आप ये वाला ले लो ना, 7 चलना कम पड़ेगा। ये देखो जैसे फ़ोन पड़ा होता है यहाँ पे, अब ये फ़ोन दिया हुआ है इन्होंने कि आप ले जाओ इसको, फ्री कॉल्स कर सकते हो। और इसमें इंटरनेट है, सब कुछ है, इसमें सेट कर लो अपना, उसके बाद ये फ्री में चलेगा। इसको ले जाओ, चेकआउट के टाइम वापस होना चाहिए। हाँ इसी से फ़ोन करो साले कमीने। हम पहुँच चुके हैं कोलोसियम, बढ़िया जगह होटल लिया। मैंने बोला था ना सर एकदम सेंटर में आए, चल के आप कोलोसियम में आ गए, मस्त एकदम। क्या मस्त सुंदर लग रहा है, सब जगह सेंटर में मिल रहा है, जो कुछ भी हमने देखने हैं वो हाँ। आसपास ही है सब कुछ। हाँ, वो रे बुरी आ गई। पता है स्टोरी ऑफ सबकी लाइफ क्या है, पीछे भी देसी आंटी उन्होंने बोला ऊपर तक लेना फोटो। उसके हस्बैंड ने ली नहीं, ये क्या ऊपर का तो आया नहीं, ऊपर तो आया नहीं। अगर अच्छा ठीक है, अब वो आंटी लेके दिखा रही है कि देख ऐसे ले लिया फोटो, उसके बाद वो देगी।
वो सेल्फियाँ। हेलो एक्सक्यूज मी, एज वन पे आ रहा है, 0.5 पे नहीं दिख रहा, क्लियर देख रहा हूँ। हाँ बैठो बैठो। अरे आप इतनी आगे बैठे, यहाँ से कोई दिख भी नहीं रहा भाई, यहाँ क्यों बैठना आगे। बड़े प्यार से अंकल जूते चेंज कर, हम यहाँ पे बढ़िया बैठे हैं। अभी मम्मी पापा ने दोस्ती भी कर ली किसी कपल से, अच्छे क्यूट कपल से। मेरी प्रमोशन चलती रहती है। अरे तो ये फोटो ले रहा है तो हम बता ही सकते कि तू प्रोफेशनल फोटोग्राफर है क्या, वही से क्या फोटो खींची। फिर उसके बाद तो तूने कितने लोगों की खींची, वो तो अब वो उसने बोला कि फोटो खींच दो, मैंने एंड्रॉइड से खींची, मैं घटिया फोन है, फिर मैंने अपने फोन से खींची, उसको ईमेल करी। और उनसे भी बोला, उसके मुंह पे बोल दिया कि ये घटिया फोन है, और उसके सारे फ्रेंड्स वाज लाइक ओह नो, इज लाइक रुको मैं अपने फोन से खींच के बताता हूँ, और जैसे ही खींच के दिखाया एवरीबॉडी वाज लाइक ओह हां उसको बताया नहीं रात का। नाइस वंस। नहीं तो वो इंडियन थे। नहीं नहीं वो तो इटालियन थे। वही मैं सोचूं, मैं कहा इटालियन यहाँ पे आके क्यों खींच रहे हैं, तो मैंने कहा हम तो ताजमहल जाके खींचते हैं। ऐसे थोड़ी कि हम भी नहीं जाते, देसी तो आती है ना, देसी जाएंगे तो। हाँ एक मैं एक जब लास्ट टाइम मैं गया था एक जर्मन में, एक जगह थी ट्रायर, ट्रायर वाज द प्लेस वेयर कार्ल मार्क्स वाज बोर्न, मां काली। अच्छा वहाँ पे एक जगह थी जिसको उसकी बैक साइड से देखो तो ऐसे लगता है खंडर सा क्या अभी गिर जाएगा, और जब उसकी दूसरी साइड जाओ तो गिर जाता है वो, ऐसा बना रखा था। अरे it was like a beautiful statues and very colorful statues and you cannot even make out ki iske other side mein to ye lagta hai khandar hai। चलो ये एंजॉय करो खंडर, इसमें पता नहीं कितने लोगों की जान गई होगी। ग्लैडिएटर वाला यही था ना, ग्लैडिएटर वाला। देसी बींग्स देसी। आज तो मम्मी को टर्की भी खिला देंगे, यहाँ पे चिकन कुछ था ही नहीं, चिकन ही नहीं मिला। मत टर्की चिकन की बहन होती है यार, बड़ी बहन। अरे बड़ी बहन है उसकी, छोटी नहीं है। नहीं बड़ी है ना, क्योंकि बहुत मोटा होता टर्की भाई। बाल स्टैटिक हो जाता है।